हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कृष्ण यादव, थोड़ा स्वागत करते हैं यदु एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, अपन पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज कर रहे हैं, जिद अज अपनी क्लास है क्लास नंबर फोर्थ। पॉलिटिकल साइंस दिन तीन क्लासा आप पहले कर चुके हैं। कल मैं जी लास्ट क्लास करवाई थोड़ा वह प्रोपर जी पंजाब पुलिस के पेपर हुए थे 2021 क्वेश्चन जिन्हें भी पोलीटिकल साइंस रिलेटेड आए हुए हैं गे वे हर पेपर के कम आ सकते हैं। तो इस तरह आप शुरू कर दें क्लास अपनी फोर्थ नंबर क्लास पोलीटिकल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है, कहना हेठ लिखे किहड़े भारतीय राज्यों दे विचों किस राज का अपना हाई कोर्ट नहीं है। हुण आपां नूं पता है वी साढ़े 25 हाई कोर्ट्स नेगे, पर 25 हाई कोर्ट्स दे विच किहड़ी स्टेट का अपना खुद का नहीं है। तो जो उड़ीसा का अपना खुद का हैगा, हिमाचल प्रदेश का खुद का हैगा, मणिपुर का खुद का हैगा, ठीक है। तो किहड़ी स्टेट है? नागालैंड। हुण जिहड़ा नागालैंड का अधिकार खेत्र हैगा ये किहड़ी हाई कोर्ट दे तहत आ जांदा है? ये गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट देता, ठीक है जी। इस करके आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, सैकंड आंसर। अगे देखते हैं जी, टू नंबर क्वेश्चन, किसी हाई कोर्ट के जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो किसी हाई कोर्ट के जी जजों की संख्या निर्धारित की जाती है, तो उन्होंने निर्धारित करने का अधिकार किसके कोल? भारत की संसद को है, ठीक है जी। भारत की संसद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजों को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ से सिर्फ भारत की पार्लीमेंट को होता है, ठीक है जी। इस करके आंसर बन जाऊ हाँ जी सी आंसर। नेक्स्ट है थ्री नंबर क्वेश्चन, देखो की कह रहेगा, कहता हेठ लिखियां दे विचों केड़ा राज राज दी हाई कोर्ट का मुख अधिकार खेत्र नहीं है, ठीक है जी। केड़ा राज दी हाई कोर्ट का मुख अधिकार खेत्र नहीं है? तो साड़ी जी हाई कोर्ट्स ने इन्हां कोले मूल अधिकार खेत्र भी होंगे जी, आरंभिक अधिकार खेत्र जिन्हों बोल देने, निरीक्षण अधिकार खेत्र भी होंगे, अपील भी तुसीं कर सकते हो किसी मामले दे विच। इहदे कोल सलाहकारी खेत्र नहीं होंगे, सलाहकारी खेत्र सिर्फ होंगे साडा आर्टिकल नंबर 143 के तहत, 143 नंबर आर्टिकल के तहत साड़ी सुप्रीम कोर्ट को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के तहत साढ़े राष्ट्रपति सलाह देती है, जब भारत का राष्ट्रपति जोड़ा है वह सुप्रीम कोर्ट तो सलाह ले भी सकता है। उस सलाह मनना या ना मनना यह साढ़े राष्ट्रपति के उपर निर्भर करता है, सलाह देना या ना देना भी सुप्रीम कोर्ट के उपर निर्भर करता है, ठीक है जी। क्लियर? चलो, तो जिन्हें स्टूडेंट तुम इस वीडियो देख रहे हो या देखोगे तो प्लीज़ लाइक तो शेयर इन जरूर कर दौ, तुहाडे वास्ते बहुत ही बेनीफिशियल क्लासेस असीं लैके आ रहे हैं। इसी कड़ी तहत थोड़ी असी रीजनिंग की क्लासेस, ठीक है, साइंस की क्लासेस भी असी लाइया ने, चैक कर सकते हो प्लेलिस्ट के जाके। एक दो दिनों असी मैथ की क्लासेस भी तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं, जिहड़ी तुहाडे हर एग्जाम वास्ते बेनीफिशियल होने वाली ने ये क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह सानू साथ दिंदे रहो, साडा लाइक तो शेयर जरूर करते रहो, ठीक है। नैक्सट है जी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखो की कहिंदा हैगा, इन्हां दे विचों कौन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार खेत्र के अधीन आता है? तो यह साड़ियाँ हाई कोर्ट को भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी होंगे। हुण राज्यां दे विचकार जिहड़ा विवाद है, यह देखो कल्ली सुप्रीम कोर्ट सुलझाउंदी है, संविधान की उलंघना सुरक्षा अधिकार सुप्रीम कोर्ट सुलझाउंदी है, मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार साढ़े आर्टिकल नंबर 226 के विच ते आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये साड़ी सुप्रीम कोर्ट को भी है, ये साड़ी हाई कोर्ट्स को भी है, ठीक है। इस करके आंसर साडा की आ जाऊगा जी फोर्थ का, थ्री आंसर आ गया, ठीक है। अगे वधदे नी फाइव नंबर क्वेश्चन, देखो की कह रहा है, कहना हाई कोर्ट के सेवा मुक्त जज नूं कित्थे वकालत करन दी इजाजत नहीं है। हुण जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कितने भी वकालत नहीं कर सकते रिटायरमेंट होने तों बाद, पर हाई कोर्ट के जिहड़े जज ने वकालत कर सकते हैं, पर उत्थे वकालत नहीं कर सकते जिथे उन्होंने खुद जजशिप की हो। मतलब हाई कोर्ट आंसर आ गया फोर्थ, हाई कोर्ट ओ जिथों वह सेवा मुक्त होया, मतलब जिथों मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कोई जज सेवा मुक्त हो गया तो उत्थे वह वकालत नहीं कर सकूगा, वह पटना जाके जो वह झारखंड की अदालत जाके या फिर जयपुर की अदालत जाके या फिर लखनऊ की अदालत जाके या इलाहाबाद जाके वह कर सकता, प्रैक्टिस कर सकता होता है। अगे जी सिक्स नंबर क्वेश्चन, देखो की कह रहा है, कहना भारत के पहली बार हाई कोर्ट कितने स्थापित की गई सगिया? तो इंडिया के 1862 के तीन हाई कोर्ट स्थापित हुई, कितने कितने हुई सी जी? कलकत्ता, मद्रास से बॉम्बे। आप ऑप्शन देख लें कितने आऊगी यदि, ठीक है, बंबे, मद्रास, कलकत्ता। ये अकॉर्डिंग आंसर साड़ा की बन जूगा जी, टू आंसर बन जूगा, ठीक है जी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे वास्ते, डायरेक्ट क्वेश्चन जिहड़े एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह के। नैक्सट है जी साडा लोकल गवर्नमेंट्स बारे क्वेश्चन है, स्थानक स्वै शासन की सब तो वधिया व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स तुहानू पता है, ठीक है, तुहानू पता है भी दो प्रकार की लोकल गवर्नमेंट साड़े क्रिएट की गई है, तो एक पेंडू लैवल से की गई, एक शहरी लैवल से की गई है। शहरी लैवल की कि नगर पालिकावान, नगर पंचायत, ठीक है, तो नगर निगम
पेंडू लैवल से कहड़िया होंगे नेगियां, पेंडू लैवल से तीन नेगियां भी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। ठीक है, तो यह किस चीज़ का प्रयोग है? एक तो यह प्रयोग है जी लोकतंत्रिक विकेंद्रीकरण का। यह सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन थोड़े पंजाब पुलिस के पेपर के होर कंपीटिशन आ चुके हैं क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, तो सैवन का आंसर आज की बन जूगा जी टाड़ा आजगा जी हाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का यह एक प्रयोग है जिद तहत पावर जी डिसेंट्रलाइजेशन होकर हेठ लैवल तक जी ट्रांसफर होंगे साढ़े लोगों। नैक्सट एटथ नंबर क्वेश्चन देखो की कह रहा है, कहना पंचायती राज व्यवस्था के बारे बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशा, पहली कमेटी सी पंचायती राज बारे स्टैबलिश हुई थी उन्होंने कि नहीं है पंचायती राज बारे बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश से उन्हें तीन पद्धरी पंचायती राज बनाने की गल कही थी, तो वह नहीं है? ग्राम पंचायत की गलत इन्हें की है, पंचायत समिति की गल भी की है, जिला परिषद की गल भी की है, राज परिषद की गल नहीं इन्होंने की। इस करके आंसर साडा की आ गया जी एटथ का साडा फोर्थ नंबर आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी पंचायती चोण किवें होंदी है, पंचायतां चोण किवें होंदी है? साडे संविधान के आर्टिकल नंबर 243 तो जिहड़ा मेन आर्टिकल उहदे विच लिखे गए ने सारे। ये पंचायती चोण कदों होवेगी? तो होवेगी जी किन्ने सालों बाद होवेगी? ये 5 सालों के विच होवेगी। 5 सालों तों बाद जे 6 महीने तक इलैक्शन नहीं होंदी तां 6 महीने के अंदर अंदर इलैक्शन करवाउणी जरूरी होंदी है। ठीक है, अगे जी क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन देखो की कह रहा है, कहिंदा पंचायत दे सरपंच दी चोण किवें होंदी है? ठीक है, सरपंच दी चोण किवें होंदी है? पंजाब दे विच कुछ साल पहला सरपंच दी जिहड़ी चोण सीगी ਉਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਚੁਣਨਗੇ, ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, जनता डायरैक्ट अपने सरपंच को चुनती है, डायरैक्ट अपने पंच को चुनती है। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो जी की कहता है, कहना 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज भारत के सब तो पहला स्टार्ट कितने किया गया, शुरू कितने किया गया? ठीक है, पंचायती राज की गल स्टार्टिंग तो होंगी आ रही है भारत के, पर आजादी तो बाद ही गल चल पी सी, पर पहली बार जो पंचायती राज स्टैबलिश किया गया तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन राजस्थान के शुरू किया गया। राजस्थान का एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान पहला स्टेट है, तो जिसमें दूसरा स्टेट पूछता है तो दूसरा स्टेट से जी आंध्र प्रदेश फिर इस अच्छा इन हजे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार बनाने वास्ते एक तो 64 अमेंडमेंट की गई थी, 65 अमेंडमेंट की गई थी, ये दोनों फेल हो गई सी। फिर इस तो बाद पंचायती राज बारे 73 अमेंडमेंट आई है साड़ी, तो नगर पालिकावां नूं लैके साड़ी जी 74 अमेंडमेंट आई सी जी 1992 दे विच हैगी, इंप्लीमेंट इन 1993। ठीक है जी, जी साड़ी 73 अमेंडमेंट सीगी ये साड़ी 24 अप्रैल 1993 जी इंप्लीमेंट हो जाती है, तो जी साड़ी 74 अमेंडमेंट सीगी ये 1 जून 1993 तो इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, चलो अगे क्वेश्चन देखते हैं जी 12 नंबर क्वेश्चन देखो की कह रहा है, कहना भारत में महिलाओं के लिए स्थान राखवा है, कितने स्थान राखवा बई पंचायती राज है? हाँ बिल्कुल है भाई, 33% राखवा करने को दिता गया महिलाओं, कई जगह से 50% भी है जी, पंजाब 50% है। ठीक है, राज विधानसभा नहीं है, मंत्रिमंडल च नहीं है, लोग सभा भी नहीं है, तो इस करके आंसर साडा 12 नंबर का ही आ जाऊगा साडा जी पंचायती राज। ठीक है, जिद महिलाओं SC ST स्टेट जो चाहे तो फिर OBC राखवाकरण जो प्रदान कर सकती है। अगे क्वेश्चन देखते हैं जी 13 नंबर क्वेश्चन देखो की कह रहा है, भारत की संघी अदालत हेठ रिक्या के विचों किस साल के स्थापित की गई थी? इंडिया की पहली फैडरल कोर्ट जी स्थापित की गई थी वो कदों स्थापित की गई थी? 1935 के एक्ट के अनुसार 1937 की गई थी। ठीक है, इस करके आंसर क्या होगा साडा जी, जे वैसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना कदों की गई थी तो कलकत्ता जी की गई थी, किहड़े रेगुलेटिंग एक्ट किहड़े एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, पर इंडिया जी फैडरल कोर्ट जी संघी साड़ी अदालत है वो स्थापना जी हुई 1937 के 1935 के एक्ट के अनुसार। फिर एक क्वेश्चन होर आया जाता है, भारत के आजादी तो बाद सुप्रीम कोर्ट बनी सी जी साड़ी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, ये रिलेटेड आर्टिकल वगैरह पूछे जा सकते हैं एग्जाम के, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कदों हुई थी? तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक प्रोपर डेट हैगी वो है साड़ी 28 जनवरी 1950 की, 28 जनवरी 1950 साड़ी जी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है स्टैबलिशमेंट जी की गई। क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन देखो जी, कहना 14 नंबर क्वेश्चन हेठ लिखियों कौन सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजा की अपॉइंटमेंट करता है?
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 127 127 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 127 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ CJI ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਹੌਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 14 ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਪੋਟਡ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੋਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, 10 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 60 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਪਾਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਕਨਕਰੰਟ ਪਾਵਰ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 2 ਰਾਜ ਜਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 71 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਨਕਰੰਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਕਰੰਟ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ। ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਜੀ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ, UNO ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। UNO ਦੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ UNO ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 50ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 51 ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, 52ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੀ? ਪੋਲੈਂਡ ਆਜੂਗਾ, ਕਈ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਜੀ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸਭਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਸਭਾ, ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ UNO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸਭਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? 5 ਮੈਂਬਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 5 ਦੇਸ਼ UNO ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ, ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਹ USA ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ USSR ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
चीन है, ठीक है, जिहड़ा साडा 1971 दे विच जिहड़ा अजकल दा रशिया हैगा, सॉरी चाइना हैगा अजकल दा, यह बनया सी 1971 दे विच। इस तों पहलां जिहड़ा फार्मोसा जां जिहनूं ताइवान दे नाम नाल जाणदे सी, उह साडा यूएनओ दा सिक्योरिटी कौंसल दा मैंबर होया करदा सी। चलो लाइक शेयर जरूर कर दिओ साथियों नूं, वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करते रहो, अपने साथी मित्र तक नूं पहुंचाउंदे रहो वीडियो नूं। जे तुसीं लाइक नहीं कीता तां लाइक कर दिओ, जे शेयर नहीं कीता तां शेयर कर दिओ, ते जे साडे चैनल दे उप्पर नवें आए तां प्लीज चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। नैक्सट हैगा जी, हेठ लिखियां दे विचों यूएनओ दे किस अंग दा मुख दफ्तर न्यूयॉर्क दे विच नहीं है। जे तुहानूं पुछूगा वी यूएनओ दा हैडक्वार्टर कित्थे है, तां की ला दोगे, न्यूयॉर्क ला दोगे। तुहानूं पुछूगा सिक्योरिटी कौंसल दा मैंबर कित्थे है, दफ्तर कित्थे हैगा, जां जनरल असैंबली दा दफ्तर कित्थे हैगा, जां सेक्रेटरीएट दा दफ्तर कित्थे है, जां ट्रस्टीशिप दा दफ्तर कित्थे है, ठीक है, जां फिर इकनोमिकल एंड जिहड़ी साडी कल्चर आर्थिक अते समाजिक परिषद हैगी, जिहड़ी इकनोमिकल एंड सोशल कौंसल हैगी, उहदा दफ्तर कित्थे है, तां वी न्यूयॉर्क दे विच है। सिर्फ इक अंग है जिहड़ा 6 अंगां दे विचों जिहदा हैडक्वार्टर न्यूयॉर्क दे विच नहीं है, उह कित्थे है, हेग दे विच है। उह कहिहड़ा है जी, आईसीजे, आईसीजे मीनस इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस। तां आंसर की आगा जी, इहदा आंसर साडा फस्ट आ गया जी, अंतरराष्ट्रीय अदालत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अदालत दे नाल रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके ने एग्जाम दे विच, ठीक है, तो इंपोर्टेंट साडा चैप्टर है बई इह, इहनूं पढ़ लिओ। अगे जी आ गया यूएनओ दी एजेंसी बारे आपां गल करदे हुंदे आ, यूनीसेफ इंपोर्टेंट हैगी, यूनीसेफ बच्चों बुच्चों बारे काम करती है, उन्होंने एजुकेशन के उपर काम करती है, यह इहदी फुल फॉर्म दे विच पुछा गया था, सी का पूर्ण नाम की है, जां पूर्ण रूप की है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, मतलब यह चिल्ड्रन जो बच्चे ने उन्होंने एजुकेशन का जो फंड है वह की करती है, रेज करती है, इकट्ठा करती है, तो पूरे संसार के जो बच्चे ने उन्होंने एजुकेशन का की करती है, एक प्रबंध देखती है, जो करती है काम, ठीक है। तो 21 का आंसर की आऊगा जी, साडा त्री आंसर आ जाएगा, चिल्ड्रन आंसर आ गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड फुल फॉर्म होगी। नैक्सट है जी 22 नंबर, यह भी साड़ी एक यूएनओ की एजेंसी है, एक इंपोर्टेंट एजेंसी है, जिन्होंने WTO के नाम नाल जानते हैं, WTO। कमेंट बॉक्स में दस दौ भी WTO का जो हैडक्वार्टर है वो कितने हैगा, ठीक है, हैडक्वार्टर बारे, WHO का हैडक्वार्टर, WTO का हैडक्वार्टर, बहुत सारे हैडक्वार्टर बारे भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन जो WTO कदों होंद आया, जी पहला गैट होया करता सी, गैट उसकी जगह पर फिर 1 जनवरी 1995 तो इन्हें स्थान ले लिया, वह स्थान ले लिया जी WTO वालों, मतलब विश्व व्यापार संगठन वालों का स्थान जोड़ा वो ले लिया गया। अगे जी 23 नंबर क्वेश्चन देखो जी की कहता है, कहना जी यूएनओ की स्थापना समय उसके मुढ़ले मैंबर की संख्या किन्नी सी, उसके मुढ़ले मैंबर किन्ने सी, स्टार्टिंग वाले मैंबर किन्ने सी, उसके मैंबर किन्ने सी, 51 मैंबर, ठीक है, एक मैंबर पहला 50 मैंबर से, एक मैंबर बाद एड होगा पोलैंड, ठीक है, उन्हें सब तो लास्ट से दस्खत किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप देखते हैं जी, वर्तमान मैंबर पूछे गए हैं, करंट के किन्ने मैंबर ने, ठीक है, तो करंट के मैंबर की जी गल करूगा, ये मैंबर है जी 193, जोड़ा 193 है, यह है साड़ा दक्षणी सुडान, दक्षणी सुडान 2011 साउथ, मतलब साउथ सुडान जोड़ा है, यह अफ्रीका कंट्री का एक देश, काफ़ी व्डा देश सुडान, वो निकल के फिर साउथ सुडान का जन्म होया 2011 के, उस तो बाद फिर इन यूएनओ का परमानेंट मैंबर जो मतलब मैंबर जो बना दिता गया है। 2011 तो बाद कोई भी जोड़ा मैंबर है, कोई भी देश है वह यूएनओ का मैंबर जो वर्तमान का जनरल असैम्बली का मैंबर जो नहीं बनाया है, ठीक है। अगे देखते हैं जी 25 नंबर क्वेश्चन देखो की कह रहा है, कहना इन्हों के यूएनओ का स्थाई मैंबर नहीं है। आपको पता है फ्रांस भी यहाँ मैंबर हैगा, जापान का मैंबर नहीं है, इंग्लैंड का मैंबर है, रूस का मैंबर है, ठीक है, तो यह सारे परमानेंट मैंबर ने, ठीक है, इस करके आंसर आ जाएगा जी 25 का 2 आ जाएगा। बस तुम्हें 5 याद रखने के लिए 5 है ये हूँ, 3 तो इतने दे रखे ने गए, जापान फ्रांस दे रखे, इंग्लैंड दे रखे, रूस दे रखे, तो फिर दूसरे होर कि ने, एक USA हो गया, एक चाइना हो गया, ठीक है, 5 ने गए, इन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन सू एग्जाम पूछे जा सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखो जी की कह रहा है, यह है फंडामेंटल राइट्स बारे, मौलिक अधिकारों बारे, हेठ लिखियां दे विचों आधारां विचों राज, कहिंदा किस आधार ते भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 के तहत भेदभाव ते रोक नहीं करता है। भेदभाव ते रोक नहीं लगता, तुहानूं पता है वी आर्टिकल नंबर 15 जिहड़ा साडा उहदे विच लिंग जाति धर्म नसल जिहनूं असीं वंश बोल दिंदे आ जां जन्म स्थान
आधार से वितकरा नहीं किया जा सकता है, ये आधार से वितकरा नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा साडा जी, देखो जन्म स्थान के आधार से वितकरा नहीं हो सकता, लिंग के आधार से नहीं हो सकता, जाति आधार से वितकरा नहीं हो सकता, भाषा के आधार से वितकरा किया जा सकता है। ठीक है जी, भाषा भी साडे भाई भाषा पढ़ी होनी चाहिए है, ठीक है, तो थोड़ा पंजाब असी नौकरियों वास्ते एलिजिबल करांगे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है भी 26 का डाटा की आ गया जी साडा, भाषा भाषा के आधार से वितकरा किया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं की कहना है, कहता भारतीय संविधान हेठ लिखी किहड़ी धारा दे विचों छूत छात की अनटचेबिलिटी पूरी तरह मनाही करता, खत्म करने की गल करता है। अनटचेबिलिटी असं पूरी तरह खत्म करते हैं, ये किहड़ी धारा साडी, धारा नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार असी छूआ छात को पूरी तरह खत्म करने की गल करते हैं। ये तहत फिर सिविल अधिकार कानून बनाया गया 1955 का, ठीक है, फिर इस तो बाद एस सी एस टी एक्ट भी बनाया गया साडा 1989 के, ठीक है जी, तो काफ़ी प्रभावी सगा एक्ट यह, ठीक है, जिस तहत छुआछात को खत्म करने की कोशिश जी की गई सी। ठीक है, अगला है साडा 28 नंबर क्वेश्चन, देखो की कह रहा है जी, ये भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, हेठ लिखा किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है। असं आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते होंगे, आर्टिकल नंबर 19 के विचार प्रगटावे की स्वतंत्रता सू मिलती है, विचार प्रगटावा ज स्वय प्रगटावा, ये तो साढ़े संविधान का मूल अधिकार है, पर जी प्रेस की आजादी है मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये तो प्रगटावे या फिर विचार की आजादी के तहत ही सू स्वतंत्रता के तहत सू की मिलती है, प्रेस की आजादी मिलती होती है। ठीक है, आंसर का की आजगा साडा 28 का की आ गया साडा, प्रगटावे के अधिकार के तहत सू की मिलती हैगी, सू प्रेस की आजादी जी प्रदान की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेने की कहना है जी, साथियों लाइक शेयर जरूर कर दियो अपनी साथी मित्र तक, इनू जो वीडियो लाइक तुम्हें नहीं किया तो लाइक कर दियो, शेयर नहीं किया शेयर कर दियो। ठीक है, चैनल के उपर नवे आए तो प्लीज चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। हाँ जी, 29 नंबर क्वेश्चन देखो जी की कहना, साडे देश दे विच सिक्ख्या दा अधिकार एक अधिकार है, किहड़ा अधिकार है भाई, 86 अमेंडमेंट जी की गई सी 2002 दे विच, इहदे तहत सिक्ख्या दे अधिकार नूं जिहड़े 6 तों लैके 14 साल दे बच्चे ने उहनां लई इसनों फंडामेंटल राइट बनाया गया सीगा, फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो आर्टिकल नंबर 21 एक नवा क्रिएट किया गया जिदे तहत सिक्ख्या अधिकार प्रदान किया गया सी, ताकि यह साडा एक ये साडा एक मूल अधिकार है, ये किसी मूल अधिकार के तहत नहीं आता, खुद मूल अधिकार है एक। ठीक है, तो अज का लास्ट क्वेश्चन है साडा, ये बड़े इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है तुहाडे वास्ते, ये सारे तुहाडे पेपर के डायरेक्ट तौर पर पूछे जा सकते हैं। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखो जी, भारतीय संविधान के घट गिनतियां की मानता किस आधार पर दी जाती है। असी आर्टिकल नंबर 29 ते 30 आर्टिकल पढ़ते हैं, उहदे विच घट गिनतियां की गल आती है, घट गिनतियां इंडिया के दो लैवल से हो सकदियां नेगियां, घट गिनती जिहड़ी जिहदी गिनती घट होवे चाहे धर्म के आधार पर होंदी है, तो एक तो धर्म के आधार पर होंदी है घट गिनती, एक होंदी है भाषा के आधार पर, जिहड़ी भाषा घट बोली जाती है उहनूं बोलण वाले लोग ने उह भाषा आधार पर घट गिनती चाहणगे, जिहड़ा धर्म घट गिनती दे विच है हिंदू धर्म नूं छड्ड के बाकी ऑलमोस्ट जिहड़े धर्म ने सारे उह घट गिनती दे विच आणगे, ठीक है, बाकी सरकार उहनूं मानता देंदी होंदी है। तो इतने क्वेश्चन की आऊगा किस आधार से मानता दी गई, तो धर्म आऊगा, जाति आधार से नहीं हैगी, आबादी आधार से भी नहीं हैगी, रंग के आधार से भी नहीं हैगी, हाँ जो इतने भाषा होंगे तो फिर भाषा के आधार से भी हो सकती सी, पर 30 नंबर का आंसर की आऊगा जी, यह आऊगा साडा धर्म। ठीक है जी, तो ऐसी तुहाडा अज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, वीडियो किवें लगी है प्लीज़ इनू जरूर दस्सो कमेंट करके, तो जे तुसीं साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लो, इस तरह की वीडियो तुहाडे वास्ते लैके आते रहेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर एक नवीं क्लास के नाल, तद तक लई बाय, थैंक यू, गुड नाइट जी।